हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आई एम इंडियन यूट्यूबर ज्योत्सना जायसवाल और मैं अब रेडी हुई हूँ पार्लर पे जाने के लिए। आप जानते हो मेरा ब्यूटी पार्लर है और आई एम ब्यूटिशियन। तो अब मैं रेडी हो गई हूँ पार्लर पे जाने के लिए और ठंडी बहुत बढ़ गई है, मतलब स्किन पे ठंडी लग रही है। रात को तो मुझे बहुत गर्म हो रहा था, स्किन पे ठंडी बहुत लग रही है। गाइस, आपके यहाँ कैसा चल रहा है मौसम? यहाँ पे मुंबई में दिन में बहुत गर्मी होती है और कल तो रात में भी बहुत गर्मी थी, पर मॉर्निंग में ना गाइस एकदम से ठंडा हो जाता है और स्किन बहुत ये होती है। तो मैंने स्किन पे मैं प्रीफर करती हूँ ये वाला जैस्मिन ऑयल लगाने को हैंड लेग्स पे, और बॉडी पे ना मैं जैस्मिन ऑयल लगाती हूँ और फेस पे ना गाइस मैं पॉन्ड्स क्रीम लगाती हूँ। पॉन्ड्स क्रीम मुझे बहुत पसंद है, मतलब आप पॉन्ड्स क्रीम ना बच्चे लोग को भी लगा सकते हैं, इतनी बेबी स्किन वालों के लिए भी बहुत अच्छी है। और मतलब आप अपने 5 साल के बच्चों को भी आप यूज़ कर सकते हो, उनकी स्किन फटती है तो उससे एकदम सॉफ्टनेस। मुझे पॉन्ड्स क्रीम बहुत पसंद है और मैं हैंड्स और लेग्स पे तो मैं ये जैस्मिन ऑयल लगाती हूँ। उसका इतना अच्छा स्मेल आता है और स्मूथ स्किन इतनी स्मूथ हो जाती है कि ना पूछो बात। तो गाइस, अगर आप चाहते हो ठंडी के सीज़न में अगर कुछ यूज़ करना तो आप बॉडी पे ये जैस्मिन ऑयल यूज़ कीजिए। जैस्मिन ऑयल बालों के लिए तो है ही अच्छा, ये ठंडियों में जमता नहीं है। इसकी ये एक अच्छी खासियत है कि ये ठंडी में जमता नहीं है, जैसे अपना कोकोनट ऑयल वगैरह कैसे जम जाता है, कूल हो जाता है, ये जैस्मिन ऑयल ना ऐसे के ऐसे लाइट रहेगा। देखिए, मैंने यूज़ कर करके इसका आधा बॉटल कर दिया है। और गाइस, मुझे ये इसलिए पता है कि अतिथि जब रशिया में थी, अतिथि मेरी बेटी, वो जब रशिया में थी तो वहाँ पे ना बहुत ठंडी पड़ती थी तो ऑयल पूरा जम जाता था, कोकोनट ऑयल कुछ काम नहीं आता था। तो उसके बाद ना नेक्स्ट ईयर मुझे पता चला है जैस्मिन ऑयल वहाँ से ही उसने उसको दूसरे फ्रेंड्स लोग ने बोला कि जैस्मिन ऑयल ना जमता नहीं है। तो फिर मैं हर साल उसको जैस्मिन ऑयल की 4-5 बॉटल दे देती थी ताकि उसको पूरा साल वो ऑयल पूरे, क्योंकि ठंडियों में बाल भी बहुत रूखे हो जाते थे तो बालों को लगाने के लिए भी ये जैस्मिन ऑयल अच्छा था और हैंड एंड बॉडी के लिए भी जैस्मिन ऑयल अच्छा था। तो गाइस, इसकी यही खासियत है कि ये ऑयल जमता नहीं है, समझा ना आपको, जमता नहीं है मतलब गाढ़ा नहीं हो जाता है, कड़क नहीं हो जाता है ठंडी की वजह से, उसको ठंडी नहीं लगती है जैस्मिन ऑयल को, वो ऐसे लिक्विड ही रहता है। तो गाइस, आप बॉडी के लिए जैस्मिन ऑयल, बालों के लिए भी जैस्मिन ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बाल उससे बहुत अच्छे होते हैं। और फेस पे अगर लगाना है, फेस पे भी आप जैस्मिन ऑयल, में तो कभी कभी लगाती हूँ, कोई एकदम लाइट है, अच्छी सी स्मेल है उसकी, और कभी मैं पॉन्ड्स क्रीम भी यूज़ करती हूँ। तो गाइस, ये था मेरा मॉर्निंग की बातें जो नहाने के बाद आपको अप्लाई करना है। और आप पूछोगे मैं इतनी देर तक कहाँ थी, क्या कर रही थी, तो मैं क्या कर रही थी वो आप देखिए, मैं क्लिपिंग्स ऐड कर रही हूँ कि मैं अब तक क्या कर रही थी वो सारा आप देखिए मेरे साथ, और फिर मिलते हैं हम पार्लर पे जाके। ओके, तो बाय बाय, मेरे क्लिपिंग्स एंजॉय कीजिए। मैं क्या कर रही थी इतनी देर से वो आप देखिए। देखो क्या चल रहा है, ये बाजू वाले बंगले का झाड़ बहुत बड़ा हो गया था ना, मुझे परेशानी होती थी, बहुत कचरा होता था। सुबह 1 घंटे से मैंने झाड़ू मारा, अभी मैंने वॉचमैन को बुलाया है और उसको बोल रही हूँ मुझे ये पूरा झाड़ काट के दे, दूसरों की परेशानी अपने सर पे। देखिए अब झाड़ ये कट रहा है और इतना बड़ा हो गया था कि पूछो मत, पूरा और पूरा बाजू के बंगले में पूरा जंगल करके रखा है, बहुत ज़्यादा ही डर लगता था सांप वगैरह कोई आ ना जाए उस पे चढ़ के। झाड़ पे भी ग्रीन कलर के सांप रहते हैं ना, तो बहुत डर लग रहा था, पूरा टच हो रहा था मेरे बंगले पे बाजू के बंगले वाले से। तो अब उसको थोड़ा सा छाटनी करके वो साइड करवा रही हूँ। और गाइस, मैं रेडी होने को जा रही थी उतने में देखा कि झाड़ काटने वाला आ गया है
और उसने शुरू कर दिया है झाड़ काटना, वॉचमैन लेके आ गया है। तो मैं जल्दी से बिना तैयार हुए ऐसे ही आ गई हूँ और बस पार्लर के लिए जाने के लिए लेट हो रहा है। बाल मैंने धोए हैं आज, पर अब मैं ये काम करवा के ही पार्लर पे जाऊँगी। देखिए कितना जंगल हुआ है, मैं जूम करके दिखाती हूँ। देखिए वॉचमैन किधर चढ़ा हुआ है, ये देखिए ये देखिए किस तरह से दोनों मिलके झाड़ काट रहे हैं। सागर संभाल के, और सुबह मैंने पूरा यहाँ आंगन साफ किया था, अब देखिए फिर से इतना कचरा हो गया है। ये बाजू वाला बंगले वाला ना बंगला बेच रहा है ना। सागर झाड़ पे चढ़ने को मजा आ गया तेको? हाँ वही, सारा बेल से जॉइंट हो गया है पूरा, इसलिए तो गाइस ये सब काम मैं करवा रही हूँ। और देखिए इसको देखिए, झाड़ पे चढ़ के झाड़ काटे जा रहा है। गाइस बेल के अंदर बेल ऐसा फंस गया है ना ये पेड़ के, निकल ही नहीं पा रहा है। देखिए नीचे से पूरा कट गया है लेकिन फिर भी वो अटका हुआ है, और वो ऐसे एक के अंदर एक जॉइंट हो गया है। बेचारे कितना मेहनत कर रहे हैं, और ये ना पूरा नीचे इतना बड़ा बूढ़ है, ये तुरंत अभी बढ़ जाएगा, थोड़े दिन में 2 महीने में वापस बढ़ने वाला है वो। चप्पल ढूंढने तो कचरे में चप्पल चला जाएगा, मिलेगा नहीं पहले। हाँ क्या मालूम, इतना जंगली झाड़ है कि पूछो मत, वो सूखने में कितना टाइम लेता है। उसको अंदर की साइड ये कर डा सागर, पूरा नीचे घुसा दे। अपने साइड का काटो, ताड़ी वाले के लिए जगह ही मत बनाओ, उसको जाने को जगह ही मत रखो। उसको बोल बोल के थक गई मैं, वो रहन दो उधर की साइड, उसको जमा ही रहन दो, बराबर करेगा फिर, खुद को तकलीफ पड़ेगी ना तब बराबर आएगा वो। ये देखिए गाइस ये है ताड़ का झाड़, और इसमें से वो लोग ताड़ी निकालते हैं, ताड़गोले का झाड़ है ये, पर वो लोग हमेशा यहाँ से ताड़ी निकालने को आते हैं, पर उन्होंने कभी कभी जगह नहीं किया यहाँ पे, मैं बोल बोल के थक गई उनको। नहीं आता है ना, वही तो नहीं आता है, दूसरे को परेशानी करके रखा है, बंगला लेके रखा है लेकिन ध्यान नहीं है उसमें साफ सफाई करने का। अब मेरा आंगन अच्छे से साफ हो रहा है, देखिए झाड़ू वाला के झाड़ू मार रहा है अच्छे से। तो गाइस बहुत अच्छे से आंगन सफाई हो रहा है, मैं रोज करना रोज करती थी थोड़ा थोड़ा, लेकिन मेरे से नहीं हो रहा था। देखिए कितना कचरा हो गया है, हाँ मैं रोज करती थी लेकिन मेरे से हो ही नहीं रहा था, थोड़ा एक पोर्शन करती थी दूसरा पोर्शन रह जाता था। सफाई कितना अच्छा लगता है गाइस।
तो गाइज आपने देखा कब से मैं क्या कर रही थी। बहुत मेहनत लगी, बहुत मेहनत लगी। मैंने तो कुछ किया नहीं, पर उनके पीछे पीछे भाग भाग के मुझे बहुत मेहनत लगी और मुझे बहुत रोना भी आया। पेड़ कट रहे थे ना, तो मुझे बहुत रोना आया, लेकिन मैंने पूरे काटे नहीं है, मैंने उनकी छाटनी किए हैं जो बारिश में बहुत बढ़ जाते हैं। तो उनको प्रॉपरली शेप दिया है छाटनी कर करके और पूरा आंगन साफ करवा लिया है। तो अब इतना खुला खुला और अच्छा लग रहा है ना गाइस कि ना पूछो बात, बहुत अच्छा लग रहा है, एकदम साफ सुथरा लग रहा है। और अभी तक मैं पार्लर के लिए निकली नहीं हूँ। मैंने सोचा आपको मेरा आंगन कैसा लगा। अब मैंने कल मुझे झाड़ वाला मिला था, तो मैंने उससे बहुत सारे प्लांट मंगवाए हैं, संडे को वो आएगा। और उसमें मैंने एक नींबू का प्लांट भी मंगवाया है। गाइस मुझे नींबू का प्लांट लगाने का बहुत शौक हुआ, पर इतना महंगा मिलता है ना। कल भी उसने मुझे बोला 300 रुपये का एक है, पर उसमें नींबू लगे थे। पर अब संडे को मैं लूँगी भले कितना भी महंगा हो। और थोड़े बहुत शो के प्लांट मंगाए, क्योंकि अब जगह बहुत अच्छी हो गई है, साफ़ सुथरी हो गई है, तो वहाँ पे थोड़ा प्लांट लगा के गार्डनिंग करेंगे। जो बड़े बड़े झाड़ थे ना गाइस, मैं बताती थी रेड कलर का फूल का, उस पर इतने सारे फ्लावर्स लगे थे ना, पर फिर भी मैंने उसको ना छाटनी कर दिया, क्योंकि अगर मैं अभी उसकी छाटनी करूँगी ना, तो उसमें वापस से बहुत अच्छे फ्लावर्स आएंगे। तो आंगन मैंने साफ करवा लिया है गाइस, और आप मुझे बताइए कैसा लग रहा है मेरा आंगन। और चलिए अब निकलते हैं पार्लर के लिए। और कल से मम्मी आने लगी है पार्लर पे, तो अभी मम्मी को पिक करूँगी। और मम्मी जब पार्लर पे आती है ना, तो मुझे अच्छा लगता है, मतलब मम्मी से बातें करने को अच्छा लगता है। आज से तो मेरे क्लासेस भी शुरू हो जाएंगे ब्यूटिशियन कोर्स के, सब लड़कियाँ आएगी। पर पता नहीं, थोड़े दिन का वैकेशन पड़ता है ना दिवाली के बाद, थोड़ा तो सुस्त जैसा हो जाता है, मतलब क्लास का रूटीन ना आने में थोड़ा टाइम लगता है गाइस। सब लोग, कोई एक आ रहा है कोई एक नहीं आ रहा है, ऐसे होता है। तो चलिए, खाने में मैंने क्या बनाया आप पूछोगे, खाने में मैंने क्या बनाया, खाने में मैंने चौली की सब्जी और रोटी बनाई है, और अचार मैंने रखा है पार्लर पे। तो अचार, चौली की सब्जी और रोटी हम खाना खा लेंगे। और अब मम्मी आ रही है, तो मैं प्रॉपरली रोटी सब्जी बनाने लगी हूँ। अब मैंने आज कितने दिन के बाद रोटी बनाई है गाइस, मम्मी नहीं थी तो मैं ऐसे ही कुछ भी अटरम सटरम खा के काम चला लेती थी। और दिवाली में तो पूरा रश टाइम था, तो नहीं होता। हाँ, और एक और बात बोलना भूल गई, कल मैं गई थी लाइव रात को, पर मेरा हो गया पोपट। क्या हुआ गाइस पता है, मैं लाइव तो गई, लेकिन पता नहीं उसमें वॉल्यूम नहीं था। मैंने बाद में जब मैंने लाइव अपना ख़त्म किया और मैंने देखा कि उसमें वॉल्यूम बिल्कुल भी नहीं है, तो फिर मैंने वो वीडियो वापस से डिलीट कर दिया, क्योंकि वॉल्यूम तो कुछ भी नहीं था। अब मैं आज वापस से चेक करूँगी कि वॉल्यूम मेरा कहाँ से ऑफ हो रहा है, क्यों नहीं लाइव में प्रॉपर वॉल्यूम आया था। या शायद ना मैं यहाँ पे एसी वाले रूम में सारे दरवाजे वगैरह बंद करके, तो शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम होगा। पर नेटवर्क के प्रॉब्लम की वजह से वॉल्यूम तो नहीं जाता है ना गाइस, तो पता नहीं। तो चलिए आज मैं थोड़ा सा उसके बारे में थोड़ा स्टडी करूँगी, और बस। तो अब मैं निकल रही हूँ, फाइनली मैं अब निकलती हूँ, नहीं तो मैं तो बड़बड़ 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 करती रहूंगी गाइस। तो चलिए अब मैं निकलती हूँ फाइनली पार्लर के लिए। ये देखो मेरा आंगन कितना साफ सुथरा दिख रहा है, पूरा सफाई हो गया है, और आंगन मैंने पूरा धो दिया है, गाड़ी को भी धो दिया है। और वो देखिए बेचारा झाड़ थोड़ा मुरझा गया है, पर बहुत क्लीन हो गया है। मैं आपको घुमा के दिखाती हूँ, पीछे की साइड दिखाती हूँ। यहाँ भी ये बाजू वाले का बहुत झाड़ अंदर आ रहा था, देखिए थोड़ा कड़ी पत्ते का झाड़ को भी मैंने छाटनी कर दिया है। ये मेरा पानी का टंकी है, और बहुत साफ सुथरा लग रहा है। और गाइस वो पीछे है ना चीकू का झाड़ है, और उसमें चीकू लगे हैं छोटे छोटे। तो गाइस देखो इस तरह से मैंने छाटनी किया है, पूरे काटे नहीं है पर छाटनी करवा दी है। तो गाइस मुझे आज मेरा घर बहुत बहुत ही बहुत ही बहुत ही क्लीन एंड नीट लग रहा है। और ये देखिए वो बड़ा वाला झाड़ था ना रेड फ्लावर का, उसको छाटनी करके छोटा कर दिया है, अब ये बढ़ेगा अच्छे से। तुलसी को मुझे थोड़ा सा वापस से खाद वगैरह डाल के अच्छा करना है।
तो गाइस साफ सफाई देख के मैं बहुत खुश हूँ। ये करेले का झाड़ और देखिए चिंटू चिंटू करेले लगे हैं, मैं दिखा दूँ आपको। ये देखिए छोटे छोटे करेले लगे हैं, फूल आए हैं बहुत सारे। गुड आफ्टरनून, दोपहर का खाना अभी हो चुका है मेरा और थोड़ा सा बस पार्लर पे काम चल रहा था, वही करके अब निपटारा हुआ है और अब क्लास वाले आ रहे हैं तो उनको थोड़ा सिखाऊंगी। और बस यही सब चल रहा है, सुबह से गड़बड़ चल रही थी। तो गाइस आते वक्त ना मैंने सब्जी लिया, सब्जी में मैंने लिया है फूलगोभी और ये लिया है क्या बोलते हैं चौलाई की चौलाई की भाजी ली थी और भी एक चीज़, हाँ तुअर के दाने लिए थे। इतना तीन चीज़ मैंने ली है सब्जी और यहाँ पे पार्लर पे फ्रिज में रख दिया है और रात को जाके थोड़ा सा उसको साफ सफाई करके रख दूँगी। तो गाइस अब मैं जाती हूँ थोड़ी देर के लिए, लाइव जाके देखती हूँ। अभी बजे हैं दोपहर के 2:30 और आप सब ने खाना खाया गाइस? क्या चल रहा है और क्या चल रहा है? तो फिर मिलते हैं चाय के टाइम पे, उस बीच में क्लास वालों को मैं कुछ सिखाती हूँ तो आपके साथ शेयर करूँगी। सब पफ कैसे बनाने का वो बताती हूँ मैं आपको। कानों के पास पार्टिंग कर लीजिए आप दोनों साइड, बहुत नाइसली कोम कीजिए। बालों को थोड़ा सा ट्विस्ट करके इसको ऐसे देखिए और यहाँ पे पकड़ लीजिए और ये टिक टिक पिन रहती है ना उसको आप ऐसे तो इस तरह से आपका कॉफ अच्छे से फुल डे रह सकेगा। देखिए इस तरह से ये पफ आप घर पे अपना अच्छे से बना सकते हैं। टिक टिक पिन लगा दीजिए आप अपने कानों के पास, पार्टिंग कीजिए और उसको ट्विस्ट करके थोड़ा सा ऐसे आगे जाओगे ना, आपको जितना बड़ा पफ चाहिए उतना बड़ा आप पफ बना सकते हैं गाइस। तो इस तरह से देखिए माउंटेन की तरफ पफ अच्छे से बन जाता है। थोड़ा सा हमें कहीं और ऐसा लगता है कि नहीं बराबर है तो थोड़ा सा यहाँ से पुश पुल कीजिए तो बराबर से हो जाएगा। देखिए आ गया ना, मैंने खुद ही बिगाड़ दिया। गाइस तो इस तरह से आप पफ बना सकते हैं अपने आप। तो मैंने सही कर दिया है और ये अपना पफ बनके रेडी है। देखिए कितना ऊंचा पफ बना है, आपको जितना बड़ा माउंटेन चाहिए और जितना बड़ा आपको पफ चाहिए उतना बड़ा पफ आप बना सकते हो इस तरह से इजी मेथड से। गाइस पफ तो हमने बना लिया था, अब हम एक हेयर स्टाइल बनाएंगे। इस तरह से रबर बैंड की मदद से अब ये बन को लेंगे हम। बन को इस तरह से
राउंड कर देंगे। गाइस देखिए कितना अच्छा हेयर स्टाइल बन गया है बन की हेल्प से। हमारा पॉप तो है ही ऊपर और ये बन की मदद से इतना अच्छा हेयर स्टाइल बन गया है पूरा। और यहाँ पे आप कुछ भी वेनी गजरा कुछ भी लगा सकते हैं। बहुत सुंदर बहुत प्यारा लग रहा है। तो बस दोपहर के टाइम पे मैं क्लास वालों को इसी तरह से कुछ कुछ सिखाती रहती हूँ। और अभी हमारा हेयर स्टाइल का सेशन चल रहा था, बीच में हेयर कटिंग का सेशन था। और गाइस बताइए ये हेयर स्टाइल आपको कैसी लगी। सिंपल साइजी मेथड आप अपने आप भी कर सकते हो। आप इसमें गजरा वेनी या ब्रॉच कुछ भी लगा सकते हो। हेयर स्टाइल बहुत सुंदर दिख रही है गाइस। अभी हमारे पास टाइम नहीं है और हमें फटाफट कहीं कुछ करना है या बहुत सारी क्लाइंट भी आ गई है, चार पांच एक साथ है, हम क्या करें। तो हमारे पास इस तरह से एक्सटेंशन कुछ ना कुछ होने चाहिए ताकि हम वो यूज़ करके फटाफट हेयर स्टाइल बना लें। क्योंकि एक साथ अगर कहीं का ऑर्डर मिला है तो 6-7 जन एक साथ ही रेडी होने के लिए रहते हैं। तो हमें फटाफट हमारे पास कुछ कुछ एक्सटेंशन और थोड़ा दिमागी नॉलेज भी होना चाहिए हम किसके बाल कितने हैं और हम उसको क्या कर सकते हैं। तो गाइज मैंने फटाक से 2 मिनट में इस तरह से हेयर स्टाइल कर दी और मैंने आपको पफ कैसे बनाने का वो भी सिखा दिया। तो आप घर पे ज़रूर से ट्राई कीजिएगा और अगर आपको अच्छा लगे तो आप मुझे कमेंट्स करके बताइएगा और आप इसी तरह से हेयर स्टाइल बना के नया नया लुक अपना क्रिएट कीजिए। छोटे से बालों का इतना बड़ा बन बन गया है हमारा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो गाइस हम लोग एक बार फिर से पफ की प्रैक्टिस करेंगे। तो ये मैं दूसरे स्टूडेंट को बता रही हूँ, जिस पे मैंने अभी बनाया था उसी को मैं बता रही हूँ दूसरे स्टूडेंट पे करके। तो आप एक बार फिर से देख लीजिए कि अगर अपने बाल थोड़े से यहाँ पे कम हो तो हम किस तरह से पफ अच्छे से बना के और अपना फोरहेड का पोर्शन अच्छा दिखा सकते हैं। बना के इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करना है फ्रेंड्स, इस तरह से ट्विस्ट करेंगे और फिर इसको पुश कर देना है आगे की साइड। आप जितना पुश करोगे ना उतना अच्छा पॉप आएगा। इस तरह से पुश करके मेरे सादा पिन में एक लगा ले रही हूँ। हमेशा जो पार्टिंग किया रहता है ना ये टिक टिक पेन अब मैं इधर लगा लेती हूँ। तो गाइज इस तरह से आप टिक टिक पेन लगा लीजिए और अपना पॉप क्रिएट कर सकते हैं।
देखिए गाइस कितना सुंदर पफ आ गया है। और आपको जितना ऊंचा चाहिए उतना, आप जितना पुश करोगे उतना, यहाँ से आपको बालों को पुश करना है, आप जितना पुश करोगे उतना अच्छे से पफ आएगा। और इस तरह से पिनअप कर देना है। गाइस देखिए इनके बालों का भी हेयर स्टाइल बहुत सुंदर आया है विद पफ के साथ, है ना। छोटे से बालों को इतना बड़ा हेयर स्टाइल हो जाता है इजीली। तो गाइस क्लास टाइम ओवर और आपका प्रैक्टिस टाइम चालू। चलिए प्रैक्टिस कीजिए इस हेयर स्टाइल की और फिर मुझे बताइए कमेंट्स करके कि कैसी आई आपकी हेयर स्टाइल। ओके गाइस, दिवाली के बाद आज फर्स्ट डे क्लास था पर सारे स्टूडेंट आए नहीं थे। अब थोड़ा रूटीन में आने को टाइम लगेगा और बस दो ही स्टूडेंट आए थे आज, तो फिर मैंने थोड़ा सा उनको हेयर स्टाइल का प्रैक्टिस करवा दिया और बस अभी बजे हैं 4 और अब चाय बनाऊंगी पार्लर पे। मैंने सारा अरेंजमेंट किया है, चाय मैं बना लेती हूँ पार्लर पे थोड़ा सा। गाइस दिवाली कैसी थी आप सबकी और नया साल कैसे चल रहा है? आप सभी को नया साल बहुत अच्छा जाए और हम इस साल में रोज़ कुछ नया सीखेंगे। ओके गाइस, तो मिलते हैं बाद में थोड़ी देर के बाद, तब तक आप प्रैक्टिस कीजिए हेयर स्टाइल की। गाइस तो आज है नेक्स्ट डे, सेकंड डे, और कल रात को मैंने नहीं शूट किया कुछ भी। दोपहर को आफ्टरनून में जो मैंने अभी हेयर स्टाइल दिखाई आपको, कैसी लगी गाइस ये हेयर स्टाइल? एकदम इजी है गाइस, और छोटा सा बन लेके आप उसको ट्विस्ट कर दो। आपके पास रबर बैंड होगा ना, तो रबर बैंड को सब बीच में से काट डालो, मोटा वाला रबर बैंड, और उसको भी फोल्ड करके आप ऐसा बन बना सकते हो। बहुत अच्छे से बन जाता है इजीली। और फ्रेंड्स डार्क डार्क लिपस्टिक लगा के मुझे कंटाल आ गया। तो ये है कपड़े जो प्रेस करने के, आप इसको देखो मत बिल्कुल भी। देखिए मैं दिखा रही हूँ आपको, ये सारे कपड़े हैं, नए कपड़े जो प्रेस करने के हैं, पर वो प्रेस वाले को देने का मेरा दिल नहीं कर रहा है, प्रेस वाला जला देता है कपड़े। तो सोचती हूँ रात को मैं खुद प्रेस करूँगी। गाइस कभी प्रेस किया नहीं है, लेकिन उस दिन जब बहन के घर के उसमें जा रहे थे ना हाउस वार्मिंग पार्टी में, तभी ये मेरा नया ड्रेस है ना, इसको मैंने घर पे ही प्रेस किया था। मतलब ये तो नया ही था, प्रेस किया हुआ था ऑलरेडी, पर मैंने थोड़ा सा घर पे उसको रखने से कपड़े में जो थोड़ा ये आ जाता है ना, सिलवटें आ जाती है, तो मैंने घर पे प्रेस किया था। और जय का शर्ट भी कब से पड़ा हुआ था, प्रेस किया हुआ ही पड़ा हुआ था, पर फिर भी थोड़ा सा प्रेस कर दिया था। तो थोड़ा मज़ा आया प्रेस करने के लिए, पर टाइम नहीं मिलता है। तो गाइस आज देखती हूँ ये 2-3 कपड़े मैं घर पे ही प्रेस कर लेती हूँ। हाँ, तो मैं आपको बता रही थी लिपस्टिक के बारे में। तो गाइस डार्क डार्क लिपस्टिक लगा के मुझे कंटाल आ गया, तो आज मैंने ये वाली सिर्फ लिप ग्लॉस लगाया है। ये अतिथि लाई थी रशिया से, और ऐसी बहुत सारी लिपस्टिक लाई थी, लेकिन मैंने कहाँ रख दी ना पता नहीं। ये ग्लोज है देखिए, ये इस तरह से है और एकदम बहुत अच्छा है, क्योंकि वहाँ रशिया में बहुत ठंडी पड़ती है ना, इसका इस तरह से शेड है। तो रशिया में बहुत ठंडी पड़ती है गाइस, तो वहाँ पे कैसा थोड़ा सा बहुत ज़्यादा मतलब लिप्स को प्रोटेक्ट करे ऐसा लिपस्टिक चाहिए। तो इस तरह की बहुत सारी लिपस्टिक लाई थी अतिथि रशिया से, पर पता नहीं मैंने कहाँ रख दी कबोर्ड में। अब मैं जब कबोर्ड जमाऊँगी तब मुझे सब कुछ मिलेगा। तो गाइस मेरा ये हेयर स्टाइल वाला वीडियो कैसा लगा आपको? और आंगन मेरा इतना साफ सुथरा और अच्छा लग रहा है ना गाइस के पूछो मत, बहुत अच्छा लग रहा है देखने से। तो ठंडी शुरू हो गई है और ऐसी वाली लिपस्टिक मुझे सारी ढूंढनी है। तो चलिए गाइस, आप ये वाला मेरा वीडियो कैसा लगा वो लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कीजिए और मुझे बताइए कि आपको मेरा वीडियो कैसा लगा। और मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। नेक्स्ट व्लॉग में वापस से शुरू करूँगी जल्दी से जल्दी, और इसके आगे मैंने छठ पूजा का व्लॉग डाला है, तो वो भी देख लीजिएगा आप कैसा लगा आपको छठ पूजा का व्लॉग। और मॉर्निंग में क्या हुआ गाइस? मॉर्निंग में ना, हाँ मैंने उठते ही ना
मेरा ब्लॉग पब्लिश करने के लिए लगा दिया और मैं भूल गई कि मुझे अतिथि को उठाना है। तो और फिर वो बैक नहीं जा सकती मोबाइल में, तो वो वीडियोस होने तक 9 बज गए और उसके बाद मैंने उठाया तो तो वो भी सोती रही थी। तो गाइस उसकी वजह से थोड़ा 2 घंटा उसको पढ़ाई में लेट हो गया, तो कोई बात नहीं, अब रात को मैं भी जागूंगी और वो भी जागेगी और पढ़ाई कर लेंगे हम लोग। तो चलिए गाइस बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। और अगर अच्छा लगा मेरा हेयर स्टाइल वाला वीडियो तो आप ज़रूर से लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स लोग के साथ, ताकि वो भी इस तरह से हेयर स्टाइल करना सीख सके। और गाइस चलिए बाय बाय, मैं निकल रही हूँ पार्लर पे। अगर मैं आज पार्लर पे कुछ स्टूडेंट को नया सिखाऊंगी तो वो ज़रूर शूट करूंगी आपके साथ। और आपकी कोई भी क्वेरीज हो ना गाइस इस बारे में, ब्यूटी के बारे में, तो आप मुझे पूछ सकते हैं। तो मुझे जितना आता है ना, मैं 20 साल से पार्लर चलाती हूँ, तो मुझे जितना आता है मैं आपके साथ शेयर करूँगी मेरी सारी ब्यूटीफुल लेडीज फ्रेंड्स से। मेरी मैं बता रही हूँ उनको कि आपको अगर कोई भी प्रॉब्लम हो हेयर के बारे में, हेयर फॉल के बारे में, पिंपल्स के बारे में, तो मैं रेमेडीज बता सकती हूँ। मतलब 20 साल से मैं एक्सपीरियंस हूँ तो मुझे थोड़ा बहुत नॉलेज है। तो गाइस आपको कोई भी प्रॉब्लम हो मेरे साथ शेयर कीजिए, ओके। मैं कोशिश करूँगी आपका प्रॉब्लम सॉल्व करने की, ओके। तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लव यू गाइस।